जब तुम उस पागल कुत्ते के गले में कानून का पट्टा नहीं डाल सकते तो हमारे टुकड़े मुफ्त में क्यों तोड़ रहे हो? ऐसी बात नहीं है राणा साहब, लेकिन इस वक्त उस पर हाथ डालना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि खंडाला के सारे व्यापारी आज उसकी तरफ हो चुके हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते, उस छोकरे से तुम डर गए हो, अब तो उससे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यह काम मैं बादशाह खान से करवाऊंगा। बादशाह खान? बंबई की जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, बादशाह खान। अदालत में तूने ही मेरे खिलाफ गवाही दी थी ना, दी थी ना? मेरे खिलाफ बोलते समय तुझे अपनी मौत का ख्याल नहीं आया? सरकार ने मुझे 2 साल की सजा दी थी, 200 साल की नहीं, जो मैं बाहर ना था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो? यहां कोई किसी को माफ नहीं करता। मैंने भी जज साहब से कहा था मुझे माफ कर दो, खून करना मेरा पेशा है, मेरी रोजी रोटी है, पर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। गुनाहगारों को माफ करना देवताओं का काम है, मुझ जैसे राक्षस का नहीं। मतलब तुम्हारी नींद हराम करने वाला भी कोई खंडाला में आया है। ठीक है राणा, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो छोकरा विजय अब अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाएगा, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लेकिन एक बात याद रख लो राणा, बादशाह सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। अगर कल उस छोकरे ने मुझे 5 लाख 1 रुपया भी दिया ना, तो मैं तुम्हारा काम भी तमाम कर सकता हूं। मौत का खौफ खाकर अगर विजय ने तुम्हें 5 लाख 1 रुपया दिया ना, तो मेरे पास आना, मैं 5 लाख 2 रुपए तैयार रखूंगा। अच्छा बोलते हो राणा, ठीक है, तो अगले हफ्ते खंडाला में मुलाकात होगी। अपनी आंखों से उस लौंडे की चिता देखोगे तुम। राणा, राणा, इस तरह घबराए हुए क्यों हो? खंडाला में आग लग गई है क्या? बहुत बुरी खबर है। तुम जब भी आते हो कोई ना कोई बुरी खबर लाते हो, बोलो। याद है राणा, 14 साल पहले तुमने खून किया था। 14 साल पहले तो मैंने अपने बाप का खून किया था। उसके बाद याद है तुमने एक और खून किया था, कलेक्टर का। और विजय उसी कलेक्टर का बेटा है, और वो खंडाला अपने मां बाप के कातिलों का पता लगाने आया है। और जैसे ही उसे यह पता चलेगा कि उसके मां बाप का खून तुमने किया था, तो जानते हो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? जब उसका बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो बेटा क्या बिगाड़ेगा? वैसे भी मैंने विजय का बंदोबस्त कर दिया है,
हाँ, हमारे खिलाफ एक दो लड़ाई उसने जरूर जीती है, मगर आखिरी जंग अभी बाकी है और इस जंग में जीत हमारी ही होगी। इससे पहले कि विजय के हाथ मेरे भाई के गर्दन तक पहुंचे, मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं, नहीं विजय, मुझे मत मारो विजय, मुझे छोड़ दो विजय। बोल राणा। मेरे भाई को मारकर बहुत खुश होंगे तुम। अपनों की मौत का दर्द कितना होता है इसका तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका एहसास मैं कराऊंगा। तुम अपनी पूजा से बहुत प्यार करते हो ना, उसकी मौत से तुम्हें एहसास होगा कि अपनों की मौत का दर्द क्या होता है। और अब देखना यह है कि इनमें से पहले मरता कौन है, पूजा या बाबू। इसका फैसला करेगा मेरा ये सिक्का। फैसला हो गया। राणा ये बास्टर्ड। पूजा, राणा पूजा को हाथ मत लगाना। राणा ये बास्टर्ड। इसका मतलब पूजा की जिंदगी खतरे में, जाओ उसे जाकर बचाओ। लेकिन बाबू तुम। विजय मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, गो, कम ऑन। पूजा तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों? मुझे लगा तुम लोगों की जान को खतरा है। हमारी जान को खतरा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सिवा इस जगह का पता किसी और को नहीं मालूम है। इसका मतलब है बाबू। हेलो बाबू, राणा के आदमियों ने पूजा पर कातिलाना हमला किया है और तुम्हें फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। What? Thank you.
तू जानना चाहता था ना कि विजय के माँ बाप का कातिल कौन है? मैं हूं। मैं मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। बाबू, बाबू, क्या हुआ बाबू? जूनियर। हाँ बाबू। अच्छा हुआ जो तुम वक्त पर आ गए जूनियर। मेरी तमन्ना थी कि तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को मैं अपने हाथों से सजा देता। कौन थे वो बाबू? कौन थे वो? राणा ने। राणा? हाँ, उसने खुद मुझे बताया। बाबू, 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 बाबू। ये आवाज कैसी है? जाओ जाके बाहर देखो क्या हो रहा है। जाओ, चलो सबक चलो। तुम लोग इस तरफ जाओ, तुम लोग उस तरफ जाओ। Thank you.